नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा था लीनियर। लीनियर का मीनिंग क्या होता है, एक लाइन में मान के चलो कि कोई हमने रॉड लिया उसकी लेंथ जो है वो हीटिंग करने पे बढ़ जाती है, उसको लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड बोला जाता है। आज जो देखने वाले हैं वो है एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। तो आपके बुक में डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया है A2 इज इक्वल टू A1 ब्रैकेट में प्लस सिग्मा डेल टी। तो ये इक्वेशन आता कैसे है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एरियल एक्सपांशन की जब बात होती है तो मान के चलो कि एक प्लेट है हमारे पास, ठीक है, ये वाली प्लेट है सॉलिड की किसी मेटल की, तो इसका पूरा एरिया जो है यहाँ से भी बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा। वायर में कैसा हो रहा था, वो लीनियर इसमें बढ़ रहा था, इसका पूरा एरिया बढ़ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पहले इतना था, अब वो हीट करने के बाद जो है वो इतना बन गया। क्लियर हो गया, यानी हीटिंग करने के बाद उसका पूरा एरिया जो है वो बढ़ जाता है और उसी को एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड बोलते हैं। अब ये डिपेंड किस पे होता है, डिपेंड होता है ओरिजिनल जो इसकी साइज है, ओरिजिनल जो साइज है वो अगर कम है तो कम एक्सपांड होगा, ज्यादा है तो ज्यादा एक्सपांड होगा, और हम कितनी हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड होगा कि ये इसका एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड कितना होगा। तो हम इस इक्वेशन को देखिए आपके बुक में वो डायरेक्टली दिया है, हम इसको देखिए जो ए टू है ए टू और ये ए वन है, यानी जो फाइनल एरिया है वो ए टू है और इनिशियल एरिया कितना था ए वन था, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि चेंज इन एरिया यानी कितना बड़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा, चेंज इन एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन एरिया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये किस से पे डिपेंड होता है, ए वन यानी जो उसकी ओरिजिनल साइज है, क्योंकि ओरिजिनल साइज ज्यादा रहेगी तो ज्यादा एक्सपांड होगा, कम रहेगी तो कम, और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर टी टू माइनस टी वन। तो पहले इसका टेम्परेचर टी टू है, इसका टी वन है, तो ये हम मान के चलो कि पहले 10 डिग्री था बाद में 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो हमने कितनी डिग्री सेल्सियस हीट इसको दी, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको चेंज इन टेम्परेचर हो गया है। तो इसी को हम गाइस ऐसे लिख सकते हैं, इस A1 को इसके नीचे लेके आया, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय A1 यानी और इनिशियल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब डेल्टा A1 इसको हमको इज इक्वल टू, हमने इसको डिनोट किया सिग्मा से, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को इज इक्वल टू सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो डेल्टा है इसकी आपको कोई जरूरत है नहीं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं ताकि आपको वो इक्वेशन कैसा आया वो समझना बहुत जरूरी है। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू ये वाला A1 यहां पे चला गया, A1 सिग्मा डेल्टा टी, और चेंज इन एरिया यानी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 यानी जो फाइनल हमारा एरिया था, A1 में इनिशियल एरिया इज इक्वल टू A1 सिग्मा डेल्टी। देखिए ये दिखने के लिए बहुत कठिन होता है, हार्ड होता है, पर एक एक सॉल्व करते जाओगे तो आसानी से सॉल्व होता है। A2 माइनस A1 हो गया, तो A2 A1 जो है वो इस साइड में हम लेके गए, तो A2 ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, A1 प्लस ये वाली टर्म जैसे है वैसी रहेगी। अब यहाँ पे A1 को कॉमन निकाला, A2 इज इक्वल टू A1, यहाँ पे आया 1, A2 कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस ये वाली जो टर्म है अल्फा सिग्मा डेल्टी, तो ये लिख ली, ठीक है। तो ये आया गया आपका फाइनल इक्वेशन। आपको यही ध्यान में रखना है कि A2 यानी जो फाइनल एरिया है वो कितना होता है A1 ब्रैकेट में प्लस 1 प्लस सिग्मा डेल्टी, इसके बराबर होता है। तो ये 2-3 बार जो है वो अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो ये जो है वो ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा डायरेक्ट इक्वेशन लिखने के बजाय। ये सिग्मा जो है वो क्या है, इज दी कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। ये सिग्मा क्या है, कोएफिशिएंट है एरियल एक्सपांशन का। उसी के साथ डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, A1 क्या है इनिशियल एरिया ऑफ शीट, एंड A2 क्या है फाइनल एरिया ऑफ शीट। तो ये एक बार देख लेना। देखिए यहाँ पे पूरा एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, A1 पहले एरिया था वो A2 बन गया और T1 टेम्परेचर T2 बन गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पूरा जो है वो लिखने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाए, और ये डायरेक्टली कैसे आया इक्वेशन ये हमने समझने की यहाँ पे कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, एक लाइक। देखिए ये इक्वेशन जो होते हैं ना 2-3 बार लिख के देखना पड़ता है, जब आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये भेजे में घुसता है। वैसे होता इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं होता, एक स्टेप सॉल्व की कि दूसरी सॉल्व होती है, उसके बाद ये सॉल्व होती है, उसके बाद ये सॉल्व होती है, 3-4 बार लिख के देखना, बाद में आपको वो बहुत इजी लगने लगेगा। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।